हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो के जरिए 17 फरवरी के लिए यानी गुरुवार के लिए चार बेस्ट इंट्राडे स्टॉक लेके आई है, जिन स्टॉक में 17 फरवरी को ब्रेकआउट मिल सकता है। इन चार स्टॉक के ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे और इसका पीछे का लॉजिक भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो 17 फरवरी के लिए हमारा जो पहला स्टॉक होगा वो होगा डाबर इंडिया। डाबर इंडिया का इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर राइजिंग विस्क का पैटर्न बना हुआ है। आप देखिए ऊपर से एंट्री होता है, ऊपर से एंट्री होने के बाद इन दोनों रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इस विस्क में ट्रेड कर रहा है, इसके बाहर नहीं जा पा रहा है। तो फॉर राइजिंग विस्क में हमेशा ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो हो सकता है कल यहाँ से ब्रेकडाउन मिले नीचे की तरफ। अगर ब्रेकडाउन मिल जाते तो हम स्टॉक को सेल के लिए जाएंगे। 559 रुपये पर स्टॉक को सेल करेंगे, पहला टारगेट होगा 556 रुपये, दूसरा टारगेट 554 रुपये और हम 551 रुपये पर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। राइजिंग विस्क में कभी भी ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलने का चांस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो उसका सारा अपडेट आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। 17 फरवरी के लिए हमारा जो दूसरा स्टॉक होगा वो होगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक में देखिए यहाँ पर कप एंड हैंडल का फॉर्म हो रहा है, ये होता है कप और ये होता है हैंडल। कप एंड हैंडल का फॉर्म पैटर्न बना हुआ है, इसका मतलब मार्केट कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो हम स्टॉक को बाय के लिए जाएंगे। 1131 रुपये पर स्टॉक को बाय करेंगे, पहला टारगेट 1137 रुपया, दूसरा टारगेट 1142 रुपया और हम 1127 रुपये पर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। लेकिन अगर मार्केट कल यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम इसका अपडेट आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 17 फरवरी के लिए हमारा जो तीसरा स्टॉक होगा वो होगा अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा का इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर भी राइजिंग विस्क का पैटर्न बना हुआ है, यानी ऊपर से एंट्री हुई है, ऊपर से एंट्री होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ ही जा रहा है पैटर्न, इसका मतलब राइजिंग विस्क, तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन मिलने का संभावना है। अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम स्टॉक को सेल के लिए जाएंगे। 685 रुपये पर स्टॉक को सेल करेंगे, पहला टारगेट 682 रुपया, दूसरा टारगेट 680 रुपया और हम 688 रुपये पर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से एंट्री हुई है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने का चांस नहीं है, तो राइजिंग हुई इसमें ब्रेकआउट नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। 17 फरवरी के लिए हमारा जो चौथा स्टॉक होगा वो होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक का इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है, इसका मतलब नीचे से एंट्री हुई है और यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी मार्केट नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर आप अच्छी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो इसलिए कल जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल और बन जाते तो हम इसे सेल के लिए जाएंगे। इस स्टॉक को हम 762 रुपये पर स्टॉक को सेल करेंगे, पहला टारगेट 798 रुपया, दूसरा टारगेट 756 रुपया और हम 765 रुपये पर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ने ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करे तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सारा अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 17 फरवरी को निफ्टी में गैप डाउन ओपन होने का चांस है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरफ से देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पर आपको इनवर्स कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के क्लोज हुआ है। ये आज का सेशन का था, आप देखेंगे तो यहाँ अगर कप एंड हैंडल का फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे की तरफ ऑब्वियसली जाता है, हमेशा जाता है, तो इसलिए कल जो है मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ जा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर यही से ओपन होता है यानी 17,200 की नीचे ओपन होता है तो नीचे तरफ जाएगा, लेकिन अगर 17,200 की ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इसलिए हम पहले ही पुट का पोजीशन नहीं बनाएंगे या कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब तक 17,150 रुपये का लेवल को तोड़ ना दे तब तक हम पुट का पोजीशन नहीं बनाएंगे, और जब तक इस लेवल को तोड़ ना दे यानी 17,300 का लेवल के ऊपर ना जाए तब तक हम कॉल का पोजीशन भी नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में कल निफ्टी में गैप डाउन होने का चांस 90% है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 17 फरवरी को बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए या तो आप कहे डबल टॉप या तो आप कहे इनवर्स कप एंड हैंडल का फॉर्म, लेकिन हुआ बहुत अच्छे तरफ से हुआ। अगर डबल टॉप की बात करें तो डबल टॉप भी हुआ है, इसका मतलब मार्केट रिवर्स होगा, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो गैप डाउन अगर नहीं होता है तो यहाँ से ओपन होकर यानी 37,900 के नीचे आपको ओपन होते देखेंगे और डायरेक्टली नीचे की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है यानी 37,900 के नीचे ओपन होता है तो यही से हम पुट का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा जो पहला सपोर्ट आ जाता है वो 37,700 का लेवल पे आता है। 37,700 का लेवल को अगर तोड़ दे
तो बहुत नीचे जाने का चांस है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर सपोर्ट ले लेते हैं तो हम पुट का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेने का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यही है कि कल बैंक निफ्टी में भी आपको गैप डाउन मिल सकते हैं, यानी 37,900 के नीचे ओपन होता हुआ देख सकते हैं, और इसके अलावा मार्केट जो है आपको 37,400 के नीचे भी ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। आप ध्यान रखिएगा कल मार्केट में गैप डाउन होगा। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कल का वीडियो में जो स्टॉक प्रोवाइड किया था आज के सेशन के लिए वो मार्केट में किस प्रकार रहा है। तो कल का वीडियो में जो पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था कॉयल इंडिया। कॉयल इंडिया के स्टॉक को मैं आपको सिर्फ बाय के लिए दिया था, मैं आपको कहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट ही मिलने वाला है, और सुबह सुबह जैसे ब्रेकआउट मिल जाता है अगर आप इस पोजिशन में से बाय किया होगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं जो टारगेट दिया था वो दोनों टारगेट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया था। तो कल का वीडियो में जो दूसरा स्टॉक मैं आपको प्रोवाइड किया था आज के सेशन के लिए वो था एच डी एफ सी एम सी का स्टॉक भी मैं आपको सिर्फ बाय के लिए प्रोवाइड किया था। यहाँ पर भी जैसे ब्रेकआउट मिल जाता है, देखिए ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टे करते हैं, और यहाँ पर भी अगर मैं जैसे बताया यहाँ पर सेल किया होगा तो आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टारगेट यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो गया था। कल का वीडियो में जो तीसरा स्टॉक दिया था आज के सेशन के लिए वो था बंधन बैंक। बंधन बैंक के स्टॉक को मैं आपको बाय या सेलिंग दोनों के लिए प्रोवाइड किया था। फिलहाल मैं कहा था कि अगर ब्रेकआउट मिले तो बाय के लिए जाएंगे, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद भी ये फेक ब्रेकआउट था, यानी यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं था। अगर ग्रीन कैंडल नहीं होता है तो कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप अच्छा होगा कि सेलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि सेलिंग का टारगेट भी मैं दिया था। अगर आप सेल किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, मैं खुद यहाँ पर सेल किया होगा, मुझे यहाँ पर 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पर सेल किए होंगे। तो कल का वीडियो में जो चौथा स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किया था आज के सेशन के लिए वो था सन फार्मा। सन फार्मा का इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर इसे भी हमें आपको बाय के लिए प्रोवाइड किया था। वैसे जो यहाँ पर कल ही ब्रेकआउट मिल चुका था, मैं आपको कहा था सुबह ही आपको बाय करना है, अगर फर्स्ट टाइम इसे बाय किया होगा तो यहाँ पर भी दोनों टारगेट एग्जीक्यूट हो गया था। यानी कल मैं चार स्टॉक जो दिया था वो 100% मार्केट में आज 100% जो इसका टारगेट था वो एग्जीक्यूट हो गया था, मेरा प्रेडिक्शन 100% सही हुई है।